तो नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। मैं सुबह से, जैसा कि आप सभी को एक इंडिकेशन दे रही थी कि मैं एक ऐसे दलित परिवार की कहानी सामने लेकर आ रही हूँ आपके, जिसमें कि आपको बताऊंगी कि किस तरह से उनके साथ एक फ्रॉड हुआ। जिंदगी भर की कमाई कुछ लोगों ने कुछ पैसों के लालच में हड़प ली है। मेरे साथ देखकर मैं चौंक गए होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं। और ये दलित परिवार की कहानी किसी और की नहीं, मेरे घर की मेरी अपनी कहानी है। यहाँ पर मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरे साथ हैं। क्या कहानी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये मेरे पापा सबसे पहले आपको बताएंगे। मैं महाराज सिंह, डीआरडीओ की शाखा एडीआरडी में 32 साल से कार्यरत हूँ और मैं दलित परिवार से हूँ। साथ साथ ब्रह्मा कुमारी से 24 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगले वर्ष मेरा रिटायरमेंट है, तो सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा घर बना दिया जाए। तो जब हम प्लॉट की बातचीत कर रहे थे, तो ये पता हमारे वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ लोगों को पता चला कि इन्हें प्लॉट खरीदना है। तभी उन्होंने बताया कि हमने चमरौली, मौजा चमरौली में 2 प्लॉट खरीदे हैं और वहाँ उसके बगल में 125 वर्ग गज का एक प्लॉट बाकी है, उसे आप ले लीजिए। जब हमें पता चला कि आश्रम के बगल में हमें प्लॉट मिल रहा है, तो हमें खुशी हुई और हमने तुरंत हाँ भी कर दिया कि हाँ, हम लेने के लिए तैयार हैं। जब हमने प्लॉट खरीदा, ये अगस्त 2021 में प्लॉट खरीदा था, और तुरंत ही हमने लोन लेकर के प्लॉट बनाना चाहा। और जैसे ही हमारी बनाने की शुरुआत हुई, तो हमारे पड़ोसी एक जो कि उमाशंकर उपाध्याय अपने को कांग्रेस का नेता बताते हुए हमारे पास आए और हमें कई प्रकार की बातें बताने लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके प्लॉट के सामने जो रास्ता है, जिस पर दीवार लगी है, वो आपको तोड़नी है, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं था। मैंने प्लॉट खरीदा था, रास्ता नहीं खरीदा था, रास्ते से मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना रौब दिखाते हुए हमें बर्बाद करने की धमकी दी, साथ साथ कुछ मैसेज भी भेजे, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले जिसको धमकी दी है, यानी कि मेरी मम्मी, मैं उनसे एक बार आपसे रूबरू कराती हूँ कि वो बताएंगी कि किस तरह से उसने क्या क्या बातें कही। हाँ, उपाध्याय जो है क्या मेरे से कहता था, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, दीवार नहीं हटाई तो। और दीवार हटाए तो इधर से दीदियां धमकी देती कि दीवार हरगिज नहीं हटेगी, हम जाएं तो जाएं कहाँ, कहाँ मरे जाके, नहीं हमारे हमको कोई जगह है क्या मरने को, सारी जीवन की कमाई हमारी चली गई, हम कहाँ जाएंगे। इतना तो इधर से दीवार हटाने दे रहे हैं और नब्बे हमें ऐसे बर्बाद करने दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी मानसिक रूप से ये दोनों ही लोग बहुत परेशान हैं, दोनों ही लोगों को कुछ अभी रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ऊपर से एक व्यक्ति हैं जो उमाशंकर उपाध्याय नाम के हैं, जिन्होंने अपना पूरा ब्राह्मणपना दिखाते हुए एक दलित परिवार को दबाने की कोशिश की। किस तरह से उन्होंने चैट्स भेजी वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा कि आप अवैध तरीके से रोड घेर कर निर्माण कर रहे हैं, आगरा विकास प्राधिकरण के नियमानुसार आपको आगे पीछे से फर्क नहीं छोड़े जा रहे हैं, ये सब बातें कहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आदरणीय महाराज सिंह जी, आपको अवगत कराना है, आपके द्वारा रजिस्ट्री में अंकित रोड को घेर लिया है, अगर आपने ये नहीं हटाया तो आपके खिलाफ FIR करके भू माफिया घोषित करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चैट्स हैं, इसमें उमाशंकर उपाध्याय ने भेजी हुई है जो चैट्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पढ़ के बता रही हूँ। इसमें इन्होंने धमकी दी और आपने रजिस्ट्री के सामने रोड को नहीं खाली किया तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आप मुझसे फोन पर बात कर रहे हैं, आप मेरा फोन उठाएं, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इसके बाद जो हमारी तरफ से भी कुछ जवाब गए हैं वो भी मैं आप सबके सामने बता देती हूँ। इसमें हमने दिया, आदरणीय उमाशंकर उपाध्याय जी, आपके द्वारा पिछले एक माह से मेरे प्लॉट में हो रहे निर्माण में अलग अलग प्रकार से विघ्न डाले जा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने केवल उतना ही निर्माण कराया है जितना मेरी सीमा में आता है, उसके अतिरिक्त भूमि पर हो रहे किसी भी नए या पुराने निर्माण में मेरा किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं है, और मेरी भूमि के क्षेत्रफल से अतिरिक्त भूमि पर आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई से व्यक्तिगत या मुझे या मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं है।
यानी कि पापा ने साफ कर दिया कि वहां पर जो भी अवैध निर्माण जो कि उनके द्वारा बताया जा रहा है वो उसके लिए कुछ भी करते हैं तो वो कर सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना वो दीवार हमने बनवाई थी ना वो दीवार हम गिरा सकते हैं, ये हमने साफ कर दिया था। उसके बाद भी उन्होंने लगातार हमें ये भेजना शुरू किया कि अभी तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, अभी मैं FIR दर्ज कराऊंगा, आपको भूमाफिया घोषित कर दूंगा। और इसके अलावा कई बार जैसा कि मम्मी भी आपके सामने अभी आई और बहुत ज्यादा दुखी है इस चीज को लेकर, क्योंकि उसने सामने से आके धमकियां दी, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, आप पैसा खर्च करते रह जाएंगे, मैं आपको भूमाफिया साबित कर दूंगा। चूंकि मेरे पापा एक सरकारी संस्था में काम करते हैं, देश सेवा में समर्पित एक संस्था में काम करते हैं, तो सभी को लगा कि इस तरह से कोई हमें धमकियां दे रहा है तो एक डर बैठ जाता है मन में। दूसरी तरफ हमारे सामने कौन था, हमने जिससे प्लॉट लिया जिसका नाम है हमवीर सिंह तोमर, जिसकी मम्मी और चाची ने हमारे नाम रजिस्ट्री कराई थी। इसके अलावा जो आश्रम में जो वरिष्ठ गण हैं जिनके माध्यम से हमने ये प्लॉट लिया, जिन्होंने हमें बताया कि सस्ते में प्लॉट मिल जाएगा और वो सस्ते का रेट था 18,000 रुपए गज, जिसकी हमें सिर्फ 125 गज की कीमत हमारे को दी गई 22.5 लाख से, और एक्स्ट्रा हमें पैसा लिया गया सामान के नाम पर। खैर वो हमारी सहमति थी उससे, लेकिन उसके बाद भी हमें जो प्लॉट दिया गया, हमने तो सोचा कि हमें 143 या रेजिडेंशियल भूमि का एक प्लॉट मिल रहा है, जो कि हमें बताया भी गया रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि भूखंड बेचा गया, जबकि वहां पर वो जो लैंड यूज है उसका वो चेंज नहीं किया गया है, वो कृषि भूमि है। मौजा जो उसका खसरा है वो 10A आता है, जिसमें बाकी के 2 प्लॉट आश्रम के भी हैं, जिसके देखा देखी हमने प्लॉट लिया, उन पर भरोसा करके प्लॉट लिया, इसीलिए उसके निवारण के लिए भी हम सीधे आश्रम पर पहुंचे। जब हम आश्रम पर पहुंचे पूरे परिवार के साथ, शाम के 8 बज रहे होंगे, और उस वक्त जैसे ही हम पहुंचे तो सामने हमारे पास वहां आश्रम की दीदियां थी, अश्विना जोशी जिनका एक का नाम है, उनके अलावा एक राज बहन थी, उनके अलावा और भी बहनें थी। तो हम जैसे ही उनसे हमने 4 सवाल किए तो वो उनको पता चल गया कि हमें उनकी इस मंशा का पता चल चुका है, उन्होंने किस तरह हमें, अच्छा उनके साथ एक ग्राम विकास अधिकारी है बिचपुरी ब्लॉक में कार्यरत हैं, सुभाष झा उनका नाम है, ये सारे लोगों ने मिलकर क्योंकि ये प्लॉट दिलवाया था तो हम समाधान के लिए भी उनके पास गए, क्योंकि हमारे प्लॉट में सील लग चुकी थी और सील से, क्योंकि हम लोग, मेरे पापा जो हैं वो इस प्रकार की व्यक्तियों को, उन्हें अवैध निर्माण कराना नहीं था, और जब उनको पता चला कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में इस तरह का अवैध निर्माण हो चुका है तो पापा को एक समाधान की जरूरत थी, चूंकि वो शुरू से मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे। तो हम उनके पास गए, जब हम उनके पास सारे परिवार के लोग गए तो उन्होंने, जैसे उन्हें पता चल गया कि हमने 2 सवाल जैसे पूछने शुरू किए, उन्होंने कुर्सी उठा के हमारे ऊपर फेंकने का प्रयास किया, हम सभी लोग डर गए, और साथ ही कहा कि अरे तुम अकेली बहनों के पास आ गए हो, हमारे पास आश्रम पे महिलाओं को बहनें और भाइयों को भाई कहा जाता है, तो वहां पर बोला कि अकेली बहनों के पास आयो, जबकि एक आश्रम है जहां पर कम से कम 100-150 लोग 200 लोग जितने भी लोग आए, वो आश्रम जहां पर जो कि सार्वजनिक स्थल है वहां पर उन्होंने ये धमकियां दी कि आप अकेली बहनों के साथ आ गए हो, अकेली बहनों के साथ मारपीट करने आए हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। हालांकि वहां पर उन्होंने हमसे कुछ जाति सूचक शब्द भी बोले और हमें वहां से भगा दिया। उसके बाद अब चूंकि हम भी डरे हुए थे कि हम चारों तरफ से फंस चुके हैं, वहां पर कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वहां पर कुछ ठाकुर लोग हैं, हमें लगातार जाति सूचक शब्द बोलकर हमको डराया धमकाया जा रहा है, हम लोग कुछ दिन बैठे रहे। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, और हम लोग जब निर्माण करा रहे थे हमें 4 कमरे वहां पर दिए हुए थे, चूंकि वो जगह पहले एक वाटिका के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, 4 कमरे दिए गए थे हमें, वहां से भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। आज बहुत साहस के साथ मेरे माँ और बाप आपके सामने आए हैं, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें न्याय दिलाने में मदद करें। इनका साहस नहीं था, मैंने आज इनको बहुत साहस बना के आज सुबह से एक मैंने आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, प्लीज हमारी मदद करें, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। मैं आगे आपको बता रही हूँ कि उसमें से हमें उसने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब चूंकि हम सरकारी आवास छोड़ चुके थे, हम एक किराए के घर में, आज भी इस किराए के घर में रह रहे हैं, हमारे पास चूंकि हमारे पास लोन भी बहुत सारा है, जिंदगी भर की कमाई लग गई, लोन बहुत सारा है, और लोन है बहुत सारा, हमारे ऊपर एक छत होती तब भी हमें एक भरोसा होता चलो ठीक है कुछ दिन बाद हम उसमें रह लेंगे तो हमारा किराया भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जा रही है सर पे कि पापा बहुत इस चीज से परेशान है।
हमें वहां से निकाल दिया गया। हालांकि उसके बाद हमसे वहां के ताले वाले सब अपने लगा लिए गए, हमारा सामान भी हालांकि वहां पर कुछ है, उससे पहले हमें भगाने के लिए वहां सामान की चोरी भी कराई गई, उसके बाद ताले डाल के, जबकि ताला उन्हीं का था तो ऑब्वियस सी बात है हमें ताला लगा हुआ मिला, तो चोरी भी उन्हीं के द्वारा कराई गई थी। और साथ में उन्होंने एक माहौल बनाया कि उनकी भी चोरी हो गई है, जिसमें कि बाद में पता चला कि उन्होंने ही चोरी कराई है। खैर, इसके अलावा क्या हुआ कि अब हम यहाँ पर हैं मौजूद, और इन सब लोगों के फ्रॉड के चलते हमारा परिवार जो है बहुत मुश्किलों में है, जहां पर भी न्याय मांगने जाते हैं। हालांकि मैं समझ सकती हूं कि एक ऐसी बड़ी संस्था के सामने, संस्था और ऐसे बड़े बड़े जो खुद को कोई कांग्रेस का नेता बता रहा है, कोई ग्राम विकास अधिकारी बता रहा है खुद को, उन सबके अगेंस्ट हम एक अपनी बात कह रहे हैं, तो मुझे पता है कि सब चीज़ों के लिए मुझे एक सबूत की ज़रूरत होगी, और मैं खाली बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास सबके सबूत मौजूद हैं, सबकी चैट्स मौजूद हैं, जैसा कि मैंने उमाशंकर उपाध्याय की चैट्स आपको पढ़कर सुनाई, बाकी लोगों के भी सारे सबूत मेरे पास हैं। मैं सारे सबूतों के साथ आपके सामने आज ये अपनी कहानी जो है वो पेश कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे को अभी दो चार दिन पहले ही मुझे और मेरी बहन को बुलाया गया अंदर, और वहां पर हमारे साथ भी बदतमीजी की कोशिश की गई, जाते सूचक शब्द बोले गए, कहा गया अरे वहां चार, एक्चुअली क्या होता है कि जब वहां पर जाते हैं तो वहां चार पांच बहनें एक साथ आ जाती हैं और एकदम से हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं। एक बार को तो हम दोनों बहनें डर गईं, और वो भी हमें जबरदस्ती बुलाया गया अंदर। उसके बाद ऐसी नौबत आ जाती है कि ऐसे कहती हैं चलो निकलो यहां से, निकलो यहां से, जबकि हम तो वहां पर उनके बुलाने पर गए थे। खैर, इसके अलावा भी आज जो हमारी स्थिति है, मैं उस पर आती हूँ कि आज हमारे पास फाइनेंशियली हम लोग बहुत कमजोर हैं, मानसिक रूप से आप समझ सकते हैं मेरी माँ और पापा कितने प्रताड़ित हैं। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि हमारे पास, हम ना फाइनेंशियली इतने अब मजबूत रह गए, हमारी जिंदगी भर की कमाई है वो उन लोगों ने आपस में हड़प ली है, उसके अलावा हमें कोई न्याय मिलने का, हमें दूर दूर तक कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। हमने SSP को भी अपनी जो शिकायत पत्र है वो भेजा है, हमने आगरा विकास प्राधिकरण को भी शिकायत पत्र भेजा है, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, हमें वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। इसलिए आज मुझे हारकर फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी को अपनी बात कहनी पड़ रही है। इसके अलावा आज मम्मी बोलेंगी, पापा बोलेंगे कि क्या हम लोग जो मोटिव है हमारा यही कहने आए हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, हमें, चूंकि हम गुहार भी मुख्यमंत्री जी से लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिले, और हम मुख्यमंत्री जी से ही गुहार लगाएंगे कि हमें लिखित में एक इच्छा मृत्यु के लिए इजाजत दे दी जाए, क्योंकि हम अब यहाँ पर रहने के लिए किसी भी हालत में बहुत मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर हम किसी भी हालत में, इस हालत में नहीं है कि हम, हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि हम खाने के लिए भी इस वक्त ये सोचना पड़ता है कि हम क्या करें क्या ना करें। एक सरकारी संस्था में रहते हुए मेरे पिता ने इतनी अच्छी कमाई, इतने अच्छे ढंग से रहे, उन्होंने कभी कोई इस तरह के अवैध निर्माण, हाँ मैंने एक और बात बीच में लिखी थी जिसमें कि बहनें वहां पर जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बहनें हैं वो कहती हैं कि अरे हम अवैध बनवा रहे हैं, तुम भी अवैध बनाओ, जबकि मेरे पापा इस चीज में राजी नहीं है कि हम अवैध बनवाएं, इसीलिए भी हम खासतौर से उसमें नहीं रहना चाहते। हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सील तोड़ दो और उसमें रहो, हम वैसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास हर तरह से सिर्फ ये रास्ता बचता है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। बोलो। रात को नींद नहीं आती, सारा दिन टेंशन में रहते हैं, अब दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि हमारी मुख्यमंत्री से बस ये गुहार है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें, और इसी में हम राजी है, जो भी होगा वो ठीक है सब, तो इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। बस धन्यवाद।